हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 का 1 से लगाए 5 तक हमने क्वेश्चन हल कर दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 441 वर्ग मीटर। अब बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, वर्ग है और इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आप बच्चों जान रहे हैं कि वर्ग किसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश के हों, 90-90 अंश के हों। यानी आपका अब पता चल गया कि यह वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग अब ये देखेंगे कि भुजा का वर्ग होता है तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 441 भुजा का वर्ग। यानी भुजा का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 441। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह करणी में 441 हो गया। अब बच्चों करणी में 441 है तो 441 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 × 3 एक बचा, 3 × 12 दो बचा, 3 × 7 21 फिर 3 से काटेंगे, 3 × 12 और 3 × 9 27। फिर देखेंगे 7 से कट जाएगा, 7 × 7 49 7 × 7। अब यह देखेंगे कि करणी में 441 है तो करणी में 441 को हम लिख सकते हैं यहीं पे 3 × 3 × 7 × 7। अब बच्चों देखेंगे 3 × 3 एक यह जोड़ा और एक यह जोड़ा, 3 बाहर कर देंगे फिर 7 बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 मीटर। यानी इस वर्ग की भुजा का मान कितना हो जाएगा, 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश का है। बच्चों आपसे कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो एक हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से जिसमें कोण बी कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे सी। ये कितने अंश का कोण है, 90 अंश का। अब इसमें दिया है ए बी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं पूछ रहा है ए सी का मान। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर का बना वर्ग, कर्ण कौन सा है, एसी। कर्ण पर का बना वर्ग, शेष दो भुजा, शेष दो भुजा कौन सा है, ए बी है और बी सी है। शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है कर्ण पर का बना वर्ग, तो कर्ण आपका एसी है, किसका वर्ग, शेष दो भुजा यानी ए बी और बी सी पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ हमें ए सी का मान निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, 6 है, तो 6 का वर्ग। बी सी का मान कितना है, 8 का वर्ग। ए सी स्क्वायर बराबर 6×6 = 36 हो जाएगा, 8×8 = 64। तो ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो ए सी बराबर या करणी में हो गया 100, करणी में 100 का मान कितना होगा, 10। यानी एसी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इसी में दूसरा सवाल कह रहा है एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखेंगे क्या करेंगे, त्रिभुज यही रहेगा, मान आपका बदल जाएगा। देखें क्या कह रहा है, एसी बराबर 13 यानी अब यह दिया है 13, बीसी का मान दिया है 5। अब हमें किसका मान निकालना है, ए बी का। तो ए सी का मान 13 का वर्ग हो जाएगा, ए बी का मान हमें पता नहीं है, निकालना है।
और बीसी का मान कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169 होता है। यह ए बी का स्क्वायर अधन 5 का वर्ग 25 होता है। इस 25 को इधर लाएंगे, 169 माइनस 25 हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर। तो अब देखें ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें से 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, यहाँ बचा एक, यानी ए बी का वर्ग बराबर 144। ए बी बराबर या करड़ी में 144 हो जाएगा, तो यह 12 का वर्ग होता है, यानी ए बी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8 बच्चों आपसे कह रहा है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, यानी एक माली है उसके पास कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पत्तियों की संख्या और कालम की संख्या समान रहे। बच्चों आपसे कह रहा है कि पत्ती मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसे पत्ती लगाएगा, तो जितने पेड़ इसमें जैसे 5 पत्ती हैं तो इस तरह से कालम भी उसी के बराबर अनुरूप होने चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, यह पूर्ण हो पाएगा। तो कह रहा है कि लगाना चाहता है कि पत्तियों की संख्या और कालम की संख्या क्या हो, समान हो। इसके लिए उसे कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी, तो अब बच्चों आप देख रहे हैं कि उसके पास कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधों की संख्या दिया है, कुल पौधों की संख्या कितना दिया है, 1000 दिया है। अब बच्चों 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह हो गया। अब 3 से काटेंगे, 3 × 9 हो गया, 3 यहाँ जोड़ देंगे, 3 × 3 = 6 हो गया, 10 में से 9 जाएगा 1, अब 00 यहाँ उतार देंगे। अब यह देखेंगे कि 6 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 6 × 12 अधिक हो जाएगा, तो एक बार में भाग जाएगा, तो यहाँ हो गया 61। अब यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 39 बच रहा है। तो बच्चों आप देखेंगे कि शेष आपका कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। तो 31 का अगर हम वर्ग करें, 31 का वर्ग क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1000 से, क्योंकि 31 का वर्ग करेंगे तो 39 घटा के आना चाहिए। अगर ये 39 शेष नहीं आता तब तो ये 31 का क्या हो जाता, वर्ग हो जाता, यानी 1000 का जो मान है 31 से क्या होगा आपका, 31 का जो वर्ग होगा वह छोटा होगा, 1000 बड़ा होगा। तो इससे एक क्रम आगे चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 32 का वर्ग लिखेंगे। 32 का वर्ग अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ गुणा कर लो, यह हो गया 4, यह हो गया 6, 3 × 6 3 × 9 तो कितना हो गया, यह हो गया आपका 4 और 6 × 6 = 12 1 × 9 = 10 1024 हो गया। तो कितने के बराबर है, 1024 के बराबर है। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ 1024 है, 1000 है, तो पूछ रहा है इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो लिखेंगे कम से कम पौधे, कम से कम पौधे कितना हो जाएगा, 1024 में से 1000 आप घटा देंगे, 1024 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आपके पास बचेगा, यानी 24 पौधे उसे चाहिए ताकि पत्तियों की संख्या और कालमों की संख्या आपस में बराबर हो जाए। प्रश्न संख्या 9 बच्चों का रहा आपसे, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस प्रकार खड़ा किया गया है कि संख्या और कालमों की संख्या बराबर है। इसका मतलब बच्चों यह है कि अगर इस तरह से बच्चों को खड़ा किया जाए तो जितना यह कालम है उतने ही बच्चों की संख्या होनी चाहिए।
तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा जितने विद्यार्थी हैं उनका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब देखेंगे कि यह एक जोड़ा हो गया, ये दो दूना चार हो गया, यह दो दो कितना हो गया चार, पांच में से चार जाएगा एक और यह। अब देखेंगे कितने बार भाग जाएगा, चार का पारा पड़ेंगे, चार दूना आठ, चार तीन बारह अधिक हो जा रहा है, इसका मतलब दो बार, तो कितना हो गया दो दूना चार, चार दूना आठ, दस में से चार गया छः और यहाँ कितना बचा नौ, नौ में से आठ गया एक, यानी शेष कितना बच रहा है आपके पास, सोलह बच्चे शेष हो जा रहे हैं। तो इन सोलह बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अठारह कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, तो जो शेष बचा है उतने विद्यार्थियों को आप क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो पंक्तियों की संख्या और किसकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आपस में बराबर हो जाएगी। लिखेंगे 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.4 आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, अर्थात तीन तीन के समूह में नहीं है। बच्चों इसके पहले आपने वर्गमूल पढ़ा, अब इसके बाद आपको हम घनमूल के बारे में बताएंगे। आपको हमने बताया था वर्गमूल में कितने का जोड़ा होना चाहिए, दो दो अंकों का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन घनमूल में यही आपका बदल जाएगा। अब यह देखें तीन तीन का जोड़ा होना चाहिए, यानी कोई संख्या दिया हो तो वह तीन बार उसी संख्या का मान लिया, जैसे दो गुड़े दो गुड़े दो हो तब यह घनमूल होगा दो का, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन हो तब तीन का घनमूल होगा, चार गुड़े चार गुड़े चार हो तो चार का घनमूल होगा, यानी अब तीन तीन का जोड़ा चाहिए। इसके पहले वर्गमूल में हमें दो दो का जोड़ा चाहिए था, अब हमें कितने का जोड़ा चाहिए, तीन तीन का जोड़ा चाहिए। यही प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि अर्थात किन समूह में तीन तीन के समूह नहीं है। तो पहले बच्चों आप देखेंगे कि इसमें टोटल आपके प्रश्न संख्या एक में टोटल 10 सवाल दिए हैं, तो हम यहाँ आपके पास 5 सवाल लिए हैं, बाकी 5 सवाल आपको होमवर्क के रूप में हल करना होगा। अब हम नियम बता दे रहे हैं, पहले का सॉल्यूशन 216 है। बच्चों आप देखेंगे 216 को कहीं गुणनखंड कर देंगे, 216 का हम गुणनखंड करेंगे, दो से कटेगा, दो एक करने दो जीरो, दो अट्ठे 16, फिर दो से काटेंगे कितना हो जाएगा, दो पाँचे 10, दो चौके 8, फिर दो से काटेंगे दो दूना 4, दो सातें 14, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 1। अब यह देखेंगे घनमूल का मतलब यहाँ अंडर रूट लगाते हैं लेकिन यहाँ 3 लगा देते हैं, इसका मतलब यह घनमूल हो गया, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अंदर वाले का हम तीन तीन पदों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 3 रूट लिखेंगे, 216 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, यहाँ कितना आया है 2 × 2 × 2, फिर गुड़े 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, आप देख रहे हैं एक जोड़ा यह हो गया एक जोड़ा यह, तो इसका घनमूल हो जाएगा 2 × 3 अर्थात 6, यानी इसका मतलब क्या है, यानी 216 दो का तीन तीन समूह है, फिर तीन का तीन तीन समूह है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, घनमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा पूर्ण घन नहीं है, तो यह क्या है, पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है, तो पहला आपका पूर्ण घन हो गया। अब इसी तरह से 128 का निकालेंगे, अब किसका हल करेंगे, या 3 रूट लिख देंगे 128 का हम निकालेंगे, तो 128 का फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे
कितना होगा, दो तीन छः, दो दूना चार, फिर दो से काटेंगे यह हो गया सोलह, फिर दो से काटेंगे यह हो गया आठ, फिर दो से काटेंगे यह हो गया चार, फिर दो से काटेंगे यह हो गया दो, फिर दो से काटेंगे यह हो गया। अब यह देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, यह दो आपका शेष बच गया, क्योंकि दो से काटेंगे चौंसठ हुआ, दो से काटेंगे बत्तीस, फिर दो से काटेंगे सोलह, आठ, फिर चार, फिर दो, फिर एक। अब यह देखेंगे कि अगर 128 को हम तोड़ रहे हैं तो दो गुड़े दो गुड़े दो, एक जोड़ा यह हो गया यहाँ से, फिर कितना बचा गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, एक जोड़ा यह हो गया और फिर बचा है गुड़े दो, यानी आप देख रहे हैं कि इसका जोड़ा तो है तीन तीन का जोड़ा है, यानी तीन तीन का जोड़ा, तीन अंक नहीं, यानी दो दिया है तो यह तीन बार होना चाहिए, फिर दो दिया है तीन बार होना चाहिए, यह दो शेष बच गया। अगर फिर यहाँ पर दो गुड़े दो होता तो यह भी जोड़ा हो जाता, इसका पूर्ण घन हो जाता, लेकिन इसका जोड़ा यानी नहीं है, यानी दो गुड़े दो गुड़े कितने बार होना चाहिए, तीन बार होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दो का तीन तीन समूह नहीं है, तीन तीन समूह नहीं है, इसलिए क्या है, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। अब देखें दूसरा हो गया आपका, तीसरा हल करेंगे, तीसरा दिया है कितना आपका 1000, इसको हम थ्री रूट निकालेंगे तो 1000 का, अगर हम निकालेंगे तो 1000 का क्या हो जाएगा, दो से काटेंगे यह हो गया कितना, दो पाँच दस 500 हो गया, दो से काटेंगे 250 हो गया, दो से काटेंगे दो एक कर ले दो, दो दूना चार और कितना बचेगा, दो पाँच दस। अब देखेंगे कि पाँच से कटेगा, पाँच दूना दस और पचा में 25, फिर पाँच से कटेगा पचा में 25, फिर पाँच से कटेगा पाँच एक। अब इसका आपका देख रहे हैं क्या क्या आया, यह तीन बार आया, पाँच तीन बार आया, तो दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े पाँच गुड़े पाँच गुड़े पाँच, यह देख रहे हैं यह जोड़ा अर्थात यह दो गुड़े पाँच अर्थात कितना हो गया 10। यह क्या है 10, यानी 1010 का क्या है, पूर्ण घन है, लिखेंगे यह क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इसी प्रकार से 100 का निकालेंगे तो यह पूर्ण घन नहीं होगा। अब देखें जरा हम पांचवा आपको बता रहे हैं, पांचवा सवाल आपका दिया है 4 4 6 5 6, इसका थ्री रूप निकालेंगे तो आप देखेंगे यह दिया हुआ है तो इसको पहले काटेंगे दो से, दो दूना चार, दो दूना चार, दो तीन छः, दो दूना चार, दो आठ सोलह, फिर दो से काटेंगे दो एक करने दो, दो एक करने दो, दो एक करने दो, दो छः के बारह, दो चौके आठ, फिर दो से काटेंगे दो पाँच दस, एक बचा दो पाँच दस, एक बचा दो अट्ठे सोलह और दो दूना चार, फिर दो से काटेंगे दो दूना चार, एक बचा दो सात चौदह, एक बचा आधु नवा अट्ठारह, दो एक करने दो। अब यह देखेंगे कि यह 2791 आ गया, तो अब यह देख रहे हैं यही करना, अब आपका यहाँ पता चल गया कि यह लास्ट में क्या आया, विषम आ गया, और यहाँ दो क्या है, दो दो से कटता हुआ या दो दो सम है, तो यह तो एक जोड़ा हो गया लेकिन यह दो अब नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यह दो का तीन तीन का समूह नहीं बन रहा है, तो यहीं से हम चेक कर लेंगे, जब तीन तीन का समूह नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या कि यह पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ सम संख्या रहता तभी यह दो से फिर कटता, यहाँ विषम संख्या आ गया है इसलिए यह दो से अब नहीं कटेगा, तो दो का तीन समूह नहीं बनेगा, जब तीन समूह नहीं बनेगा इसलिए क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। और भी आप काट के देख सकते हैं, तीन से यह नहीं कटेगा,
क्योंकि 3 × 7 = 21 त्रिकोण 1 बच जा रहा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 के पहाड़ा में लास्ट में 1 नहीं आता है तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 21, 7 से काट के यही आप डिसाइड कर लीजिए, काटना नहीं है। ज़्यादा काटेंगे टाइम आपका ज़्यादा व्यस्त होगा तो लिखेंगे या √ 2 × 2 × 2 × 2 आया था और आया था 2791। फिर से देख लेते हैं, 4 × 4 = 6, 5 = 6 था, 2 से काटा गया था तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 2 = 16। फिर 2 से कटा था, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 16। फिर 2 से कटा था, 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 5, 10 और 2 × 8 = 16 और 2 × 2 = 4। फिर 2 से कटा था, 2 × 4 = 4, 1 × 2 = 7, 14, 1 × 2 = 9, 18, 2 × 1 = 2। ये आया था इतना 2781। अब बच्चों आप देख रहे हैं यह तो जोड़ा बन गया, यह लास्ट में एक आया है जो क्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो फिर यह 2 से आपका नहीं कटेगा, इसलिए हम लिख देंगे क्या कि 4 कितना है, 4 × 4 = 6, 5 = 6 पूर्ण घन नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सवाल दिए हैं, बच्चों आप हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। करा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित से गुणा किया जाए, निम्नलिखित से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। पहला दिया है 243, दूसरा दिया है 256, तीसरा दिया है 72, चौथा दिया है 675, पांचवा दिया है। अब बच्चों आप देख रहे हैं, कारा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित में से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 243 है तो 243 का आप निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, तो 243 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 से पहले काटिए, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 से काटेंगे, 3 × 6 और 2 बचा तो 3 × 7 = 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। यह देख रहे हैं एक जोड़ा बन गया, यानी अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 3 × 3 × 3 आया, 1, 2, 3, 4, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार। यह तो 3 का जोड़ा है, यानी 3 जो है कितने बार है, 3 बार है। अगर 1, 3 और लिख दिया जाता तो यह भी तो जोड़ा बन जाता, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, लिखेंगे चूंकि वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे गुणा करने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। क्यों पूर्ण घन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ दो जोड़ा दिया है, अगर एक जोड़ा और हम लिख दें तो यहाँ तीन गुड़े तीन गुड़े तीन हो जाएगा, यानी पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखें आप, दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया 256। 256 का आवाज गुणनखंड निकाल, दो से काट दें, दो एक करने दो, दो दूना चार, दो अट्ठे सोलह, दो से काटेंगे दो छक्के बारह, दो चौके आठ, दो से काटेंगे 32, दो से काटेंगे 16, दो से काटेंगे 8, दो से काटेंगे 4, दो से काटेंगे 2, फिर दो से काटेंगे 1। यानी यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, तो क्या हो गया? दो बुढ़े 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 दो, क्योंकि एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा यह दो बुढ़े दो बचा। यानी अगर यहाँ हम दो और लिख दें तब दो का भी तीन तीन का जोड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लिखेंगे? छोटी संख्या मिल गया, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? दो है, जिससे गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप तीसरा चौथा और पांचवा हल करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसके पहले गुणा करने पर था, अब क्या कह रहा है? भाग करने पर। तो बच्चों सेम वही कंडीशन है, थोड़ा सा उसमें जो जोड़ा नहीं बन रहा था उसका हम गुणा करते थे, अब जो तीन तीन का जोड़ा नहीं बनेगा उससे हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो जैसे पहला दिया 81, 81 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तीन से काटेंगे, तीन दूना छः, तीन सात 21, तीन से काटेंगे, तीन नवा 27, तीन से काटेंगे, तीन त्रिका 9, फिर तीन से काटेंगे 1। यह देख रहे हैं यह जोड़ा बना, अभाज्य गुणनखंड हो गया तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, यह तो एक जोड़ा बन गया, तीन तीन का जोड़ा बन गया, यानी तीन गुणे तीन गुणे तीन एक जोड़ा हो गया। तीन है, तीन बचा हुआ है, यानी तीन से हम भाग दे दें इसमें तो यह आपका पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तीन है, जिससे भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखें दूसरा 128 है, 128 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, दो छके 12, दो चौके 8, दो से काटेंगे 32, दो से काटेंगे 16, दो से काटेंगे 8, दो से काटेंगे 4, दो से काटेंगे 2, दो से काटेंगे 1। यह एक जोड़ा हो गया, यह एक जोड़ा। अब लिखेंगे 128 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया दो बुढ़े दो बुढ़े दो एक जोड़ा, फिर दो बुढ़े दो बुढ़े दो एक जोड़ा, फिर बुढ़े क्या बचा? दो बचा। जो जोड़ा नहीं बचता है, तीन तीन का जोड़ा अगर नहीं होता, जो बचेगा उसी से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? दो है, जिससे भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो
प्राप्त संख्या, पूर्ण धन हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आप तीसरा चौथा पांचवां आप हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या चार पे आते हैं। बच्चों इस प्रश्नावली का 7.1 का यह लास्ट सवाल है, चौथा। करा परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। बच्चों आप देखते हैं कि अगर इस तरह से आकृति होगी तो यह क्या है, घनाभ की आकृति है। घनाभ में क्या होता है, जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, ऊंचाई अलग हो। तो दिया है कितने कितने भुजाएं हैं, पांच है, दो है और फिर पांच है। तो कह रहा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों आप जानते हैं कि घन बनाने के लिए हमें तीन तीन का जोड़ा चाहिए। तो अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, पांच है, चौड़ाई कितना है, दो है, फिर ऊंचाई कितना है, पांच। इतना घन क्या हो गया, सेमी हो गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं इतना घन सेमी हो गया। अब देख रहे हैं पांच का, देख पांच एक है, पांच यहाँ एक है, एक बार है, यानी एक पांच और हो जाता तो हमें पांच का तीन तीन का जोड़ा मिल जाता। और एक ही बार दो है, अगर दो दो और रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है पांच गुणे पांच, दो तो पांच दिया है, एक पांच और लिख दें, फिर दो दिया है, इसमें दो बार दो हम लिख दें, तो एक जोड़ा यह बन जाएगा, एक जोड़ा यह। जब जोड़ा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, घन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि पांच और दो का तीन तीन का समूह नहीं है, समूह नहीं है। अब देखिए तो इसे समूह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समूह बनाने के लिए यानी पांच दो बार है तो हम क्या करेंगे, तो पांच गुणे, अब देखें दो कितने बार नहीं है, दो बार नहीं है, तो दो गुणे दो का क्या करें, गुणा करें। तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, पांच गुना दस गुना बीस, यानी 20 घन हमें कितना कह रहा, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो कितने का गुणा किए, पांच गुणे दो गुणे दो, अर्थात इसका गुणा करेंगे तो कितना आया, 20। तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, सॉरी 20 घनों की आवश्यकता होगी। यहाँ घन दिया है, कितने घनों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनों की आवश्यकता होगी। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।